ये है निसार साहब, ये दाना इन्होंने पकड़ा हुआ है, मारा मैंने मगर पकड़ा हुआ इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, ओ मच्छी लगी है ने साकी पिवानी वे। सुबह से ये दो ही लगे हैं, बाकी तो खाली बैठे हैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं सोल मछली के शिकार पे, जिसे स्नेक हेड फिश भी कहा जाता है। हम कराची से निकलेंगे और हैदराबाद, नवाबशाह, जाम साहब, मुठ जमड़ाओ से होते हुए 63 चक जाएंगे। ये तकरीबन फासला बनता है अप्रोक्सीमेट 380 किलोमीटर। तो काफ़ी सुना है, काफ़ी वहाँ पे सर्दी भी है, टेम्परेचर जो 8 सेंटीग्रेड तक गिरा हुआ है। देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि क्या होता है। अब हम जाम साहब शहर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 10 सेंटीग्रेड है, सर्दी हो रही है। अब हम अपने शिकार के मुकाम पे पहुंच गए हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं। तो सब सामान वामान हम यहाँ पे अपना निकाल रहे हैं और डोरे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अंधेरा और काफ़ी सर्दी है यहाँ पे। तिरसठ चक, ज़िला खैरपुर। यहाँ हम सोल मछली के शिकार के लिए आए हैं। सुबह में सर्दी काफ़ी थी, तकरीबन 8 सेंटीग्रेड। सुबह से ये दो ही लगे हैं, बाकी तो खाली बैठे हैं अभी तक। ओ मच्छी लगी है साकी पिवानी वे। ये अभी अभी मारा है, तकरीबन 4 किलो का है। ये है निसार साहब, ये दाना इन्होंने पकड़ा हुआ है, मारा मैंने मगर पकड़ा हुआ इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, इन बातों का मैं बुरा नहीं मनाता। ये देखें, ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है। आज का अभी तक का शिकार, लंच टाइम। शिकार हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया, डोरें लगी हुई हमने छोड़ दी हैं, मगर अब खाने पकाने की तैयारी हो रही है, जिसका सामान हम अपने साथ लाए हैं। निसार भाई की ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो खाना पकाएं, तो इंशाल्लाह ज़्यादा पकेगा खाना, उसके बाद खा के यहाँ से हम निकलने की तैयारी करेंगे। और तकरीबन खाना हमारा तैयार है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।